हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे आप रोबोट क्राफ्टिंग कर सकते हो। सेकंड बैच ऑफ रोबोट क्राफ्टिंग है ये। इससे पहले फर्स्ट बैच जो मई एंड में आया था, आपको वहाँ से यही तरह से आप रोबोट को क्राफ्ट कर सकते थे। आई होप आप लोगों ने रोबोट क्राफ्ट किया होगा और उसका प्रोसीजर कैसे है बिल्कुल लाइव करके मैंने आपको हमारे चैनल पर बताया भी था वीडियो से कि कैसे आप रोबोट लाइव क्राफ्ट कर सकते हो यूजिंग एथर जो कि मैंने डाला हुआ था। सेकेंड थिंग, अभी ये सेकेंड बैच है जहाँ पर आप क्राफ्ट कर पाओगे रोबोट्स को फॉर द यूज ऑफ मिनरल्स, है ना। मिनरल्स के थ्रू आप इसको यूज़ कर पाओगे। 8 जून का ये ऑफिशियल मीडियम पोस्ट है आर पेरेंट की तरफ से। तो कैसे रोबोट्स को हम क्राफ्ट कर सकते हैं और कब ये रोबोट क्राफ्टिंग का डेट क्या है, कितने बजे टाइम कब स्टार्ट होगा, सारी चीज़ें वीडियो डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट बैच ऑफ रोबोट क्राफ्टिंग मिस कर चुके हैं तो आप इसको डेफिनेटली मिस मत करना। बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट आने वाले टाइम में ये गेम हमें दे सकता है। वीडियो के अंत तक देखना। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। यहाँ पे बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करना है, मेक श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप अभी 6 दिन बाकी है स्नैपशॉट में, तो आप भी विन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्निकर। 6 दिन के बाद स्नैपशॉट होगा, उसके बाद अगर आप विन करते हो तो आप यहाँ पे एक स्निकर विन कर पाओगे लॉटरी में अगर आपका नाम आता है। तो पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप ये वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं जिसे मैंने बताया है अपकमिंग मोटो वन प्रोजेक्ट में कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर ले सकते हो। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले जो बैच आया था वहाँ आप इधर से आप रोबोट की क्राफ्टिंग कर सकते थे, बट अभी आप कर सकते हो मिनरल से। अब मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। इट्स टाइम टू क्राफ्ट। एज यू नो, द ओनली वे टू इंजेक्ट नेटिव आर प्लेंट मिनरल्स इन टू द गेम इज टू यूज़ देम ऑन क्राफ्टिंग यूनिवर्सल रोबोट। तो एकमात्र मिनरल्स का जो यूज है वो यहाँ पे यूनिवर्सल रोबोट को क्राफ्ट करने में है। यू विल बी एबल टू यूज मिनरल्स फॉर क्राफ्टिंग इवन आफ्टर द गेम्स लॉन्च ड्यूरिंग द क्राफ्टिंग इवेंट्स। गेम लॉन्च के बाद जब भी रोबोट क्राफ्टिंग का इवेंट्स आएंगे तो वहाँ पे भी आप मिनरल्स से रोबोट क्राफ्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अभी कर सकते हो, ये कहना है आर पेरेंट की टीम का। और ये इवेंट जो आएंगे विच विल बी हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम आपको आगे आने वाले टाइम में भी देखने को मिलते रहेंगे रोबोट क्राफ्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ मिनरल्स। येट देन द मिनरल्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाई लैंड NFT एनीमोर। बट उस टाइम पे आपके जो NFTs है, लैंड है, वहाँ मिनरल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। देन इट इज़ द अनबीटेबल एडवांटेज ऑफ मिनरल्स द पॉसिबिलिटी टू रिप्लेस द स्टॉक ऑफ यूनिवर्सल रोबोट इवन आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट गेम। यही मिनरल्स का एडवांटेज इन लोगों ने बताया हुआ। अब यहाँ पे जो सेल स्टार्ट होने वाली है, वी आर गोइंग टू होल्ड द नेक्स्ट क्राफ्टिंग ऑफ रोबोट्स ऑन June 16th 4 PM UTC। मतलब इंडियन टाइम सेंटर के हिसाब से देखा जाए तो 16 जून को रात को 9:30 बजे ये रोबोट क्राफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद लाइव वीडियो आपको बना के भी दिखा दूंगा कैसे आप इसको बाई करना है, कैसे आपको रोबोट क्राफ्ट करना है यूजिंग मिनरल्स। तो आप मेक श्योर करना कि आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर रख ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ कुछ डाउट होता है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। मैं वहाँ पे सारी छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केट अपडेट्स और इस प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आती है तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही बताता हूँ। तो मेक श्योर करना आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। मेक श्योर दैट द ओनर्स ऑफ लैंड NFT विल हैव अ चांस टू आर्म देमसेल्फ बिफोर द लॉन्च ऑफ द गेम। ये जो एक चांस दिया गया है जो जितने भी लैंड NFTs है उनके लिए कि आप रोबोट क्राफ्ट कर सकते हो यूजिंग मिनरल्स। बाकी टाइम टू टाइम आपको गेम स्टार्ट होने के बाद भी ये इवेंट मिलते रहेंगे। अब इन्होंने बताया द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस इवेंट एंड द प्रीवियस वन, यानी कि जो इससे पहले हुआ था मई एंड में जहाँ पे रोबोट क्राफ्टिंग हुआ था, उनमें मेन डिफरेंस यही है कि यू विल बी एबल टू क्राफ्ट रोबोट पैक विद अ फीवर रोबोट इनसाइड। इससे पहले जो आया था वो 100 पैक थे स्मॉल पैक में और बड़े पैक में थे 500, बट यहाँ पे 50% कर दिया है, यानी कि स्मॉल पैक में सिर्फ 50 रोबोट्स होंगे और बड़े पैक में 250 रोबोट होंगे। तो आप इनको बाई कर सकते हो बड़े पैक चाहे स्मॉल पैक या बिग पैक जो भी आप चाहो। स्मॉल पैक ऑफ रोबोट कंज्यूम लेस वीक नाइट आफ्टर अनपैकिंग। तो जब अनपैक करोगे आप उनको तो आपको कम जो है वीक नाइट की रिक्वायरमेंट होगी, कम वीक नाइट कंज्यूम होंगे एट द कंपेरिजन ऑफ बिग पैक। दस द डाइवर्सिटी ऑफ पैक लेट्स द प्लेयर यूज यूनिवर्सल रोबोट विद हायर एफिशियंसी। अब सेकेंड नेक्स्ट चीज आती है, मेन वाइल लेट्स रिकैप हियर टू गेट नेटिव आर प्लेट मिनरल्स। तो यहाँ पे बात होती है कि आर प्लेनेट के मिनरल्स कहाँ पे हम ले सकते हैं, हाउ टू क्राफ्ट रोबोट्स फ्रॉम देम। तो सबसे पहले व्हाट आर द आर प्लेनेट नेटिव मिनरल्स एंड वेयर टू गेट देम। तो जो आर प्लेनेट मिनरल्स है अकॉर्डिंग टू दिस मीडियम पोस्ट, लैंड NFT स्टार्ट माइनिंग वन ऑफ द 4 आर प्लेनेट मिनरल्स राइट आफ्टर द अनपैकिंग। इफ यू ऑन लैंड बट डिड नॉट नो
that your land has been mining minerals, the alchemy tab is your palace where you can check how much minerals your land has been mined so far and claim them. तो अगर आपके पास लैंड एनएफटी है तो वो वहाँ पे आपने अनपैक किया होगा तो उसके बाद माइनिंग स्टार्ट हो गया होगा और वहाँ पे एल्केमी टैब में जब आप जाके चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने मिनरल्स आपके लैंड माइन कर चुकी है वो। तो अगर आपने क्लेम नहीं किया तो उसको आप जाके क्लेम कर लीजिए और उसके बाद आप वहाँ पे रोबोट जो है क्राफ्ट कर सकते हो यूजिंग मिनरल्स। द लैंड एन एफ टी कैन माइन ओनली द मिनरल्स डिपेक्टेड ऑन इट एंड इट्स प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इट्स रेयरिटी एंड लेवल। तो वो जो लैंड आपके पास है उसका रेयरिटी क्या है, कितने लेवल पे है, उस हिसाब से वो उसकी माइनिंग प्रोडक्टिविटी जो है डिपेंड करती है। अगर आप कम लेवल है तो आप जो है आपका कम माइन करेगा, आपका रेयरिटी अगर कॉमन अनकॉमन है तो वो कम करेगी, अगर लेजेंडरी वगैरह है तो आपकी माइनिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है। ऑल द प्लेयर हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन द रेयरिटी एंड टाइप ऑफ द लैंड, ही कैन इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी बाई अपग्रेडिंग द लैंड एन एफ टी विद एफ टीज ऑफ मटेरियल परचेज एंड क्रिएटेड इन द अल्केमी। तो अगर आपके पास रेयरिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो भी आप अपने लैंड एन एफ टी को अपग्रेड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एफ टीज, है ना। जो स्टार्टिंग में जो एन एफ टीज के लिए जो आए थे जहाँ पे हम बाई कर सकते थे यूजिंग एयर अर्थ लैंड एंड इसके वाटर के हिसाब से, तो वहाँ से जो फर्स्ट 600 थी वो तो एन एफ टी थी, बट उसके बाद जितने भी हमने माइन किया वो सारे मिंट किए थे वो एफ टीज में थे। तो उनसे आप मटेरियल एफ टीज जो है उनसे आप लैंड अपग्रेड कर सकते हो या फिर उनको आप परचेज भी कर सकते हो या फिर एल्केमी जनरेटर में आप एफ टीज क्रिएट भी कर सकते हो, वो अभी भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसका मैंने सारा प्रोसीजर आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे आप एन एफ टीज और एफ टी मिंट करना है। आप सिंपली प्ले लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको आर प्लेनेट की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सारे आर प्लेनेट के रिगार्डिंग डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये वाली जो है ये देखिए आर प्लेनेट फुल ट्यूटोरियल, इस प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे एनएफटी माइन करना है, क्राफ्ट करना है, कैसे एफटीज क्राफ्ट करना है सारी चीज़। द टॉप लेवल ऑब्टेनेबल ऑफ द एंड एनएफटी इज 200, मतलब जो सबसे अपर लेवल है वो 200 लेवल सबसे ऊपर, उसके बाद वहाँ पे आप उसके बाद अपग्रेड नहीं कर सकते हो। द मिनरल्स माइंड बिफोर द गेम्स आर टोकन्स एंड कैन बी पास्ड और सोल्ड आउटसाइड द गेम। तो जब माइन कर रहे हो आप गेम स्टार्ट होने से पहले उसके बाद उससे पहले आप उसको सोल्ड भी कर सकते हो, पास आउट कर सकते हो किसी दूसरे को एक बार। वंस द कॉन्क्वेस्ट गेम इज लॉन्च लैंड एन एफ टी अटैच टू योर बेस विल इंक्रीज द माइनिंग एक्सट्रैक्शन रेट विद इन द गेम। एक बार गेम स्टार्ट हो गया फिर गेम के अंदर ही माइनिंग एक्सट्रैक्शन जो है आप इंक्रीज कर सकते हो रेट को, बट आप उसके बाद आप उसको पास आउट नहीं कर सकते हो। मिनरल्स माइंड आफ्टर द लॉन्च विल बी ओनली इन गेम एसेट। गेम स्टार्ट होने के बाद जो मिनरल्स माइन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो इन गेम एसेट में, उनको बाहर कहीं पे आप सोल्ड नहीं कर सकते हो। यू स्टिल हैव ए फ्यू मोर डेज टू कलेक्ट सम मिनरल्स, इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट फुल आर्मी बिफोर द बेटर। अभी भी आपके पास कुछ दिन है बिकॉज 16th of June को ये स्टार्ट हो रही है, तो मिनरल्स आप कलेक्ट कर सकते हो। अब बात आती है व्हाट इफ़ यू डोंट हैव आर प्लेनेट लैंड, अगर आपके पास आर प्लेनेट लैंड नहीं है तो क्या आपके पास मिनरल्स नहीं होंगे, और मिनरल्स नहीं है तो क्या आप रोबोट क्राफ्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। वेल इफ़ यू वुड लाइक टू गैदर मिनरल्स फॉर क्राफ्टिंग रोबोट्स बट डोंट ओन एनी लैंड योर सेल्फ, यू कैन ऑलवेज गो परचेज सम मिनरल्स ऑन ए सेकेंडरी मार्केट दैट इज़ फ्रॉम ये देखिए एटॉमिक हब से आप बाई कर सकते हो। यहाँ पर जाके लैंड के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आर प्लेट यहाँ पर सर्च करोगे तो ये सारी चीज़ें लैंड्स वगैरह आपके यहाँ पे मिनरल्स जो है आ जाएंगे, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो। आर प्लेनेट लैंड एन एफ टीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन द सेकेंडरी मार्केट इफ़ यू मिस्ड आउट ऑन द आर प्लेनेट लैंड सेल। लैंड सेल आप मिस कर चुके हो तो कोई बात नहीं, एटॉमिक आपको जाइए यहाँ पे आप लैंड बाय कीजिए, जैसे ये लैंड है ना ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ। अगर हम मिनिमम की बात करें प्राइस लोवेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको लैंड जो स्टार्ट हो जाएगी वो देखिए ये स्मॉल यूनिट जो बहुत छोटे छोटे यूनिट है, आप कोई भी अच्छे से एक बाई कर लीजिए $100-200 का एटलीस्ट, ताकि मिनरल्स आपको ज़्यादा मिले और आप रोबोट क्राफ्टिंग कर पाए। दैट इज़ द बहुत सिंपल केस। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई होगी रिगार्डिंग आर प्लेनेट रोबोट क्राफ्टिंग यूजिंग मिनरल्स। कुछ भी डाउट होता है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आप डायरेक्ट चैट कर सकते हो हमसे टेलीग्राम ग्रुप के जरिए। तो आज की वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।